मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आगजनी की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला जबलपुर का है, जहां रसल चौक इलाके में शॉर्ट सर्किट के कारण दो दुकानों में आग लग गई। दुकानों से निकल रहे धुएं से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान SDM मनीषा वास्कले भी मौके पर पहुँच गई, जहाँ उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आग पूजा बेकरी में शॉर्ट सर्किट से लगी है और उसके बाद बाजू में ही स्थित मोबाइल दुकान तक पहुंच गई, जिससे दुकान में धुआं भर गया। हालांकि समय रहते ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हम रसल चौक में दुकान में आग लगी है, जिसकी सूचना पर हम फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी लेके आए और फिर दूसरी गाड़ी बुलवाई। बाजू वाली दुकान से धुआं निकल रहा था, तो बाजू वाली दुकान में तो आग नहीं है, ये बेकरी की दुकान जो है, पूजा बेकरी जो है, उसमें आग लगी थी, उसको बुरी तरह बुझा दिया। कितने का नुकसान वगैरह मालिक हैं अभी बताए नहीं है उन्हें। किनकी दुकान है नाम ये है? नाम वगैरह अभी नहीं पता चला, अंदर ही है वो। यहाँ रसल चौक पे पूजा बेकरी और इसी के जस्ट लगी हुई एक फास्ट ट्रैक मोबाइल दुकान है। वैसे ज़्यादा आग पूजा बेकरी में लगी थी। सूचना मिलने पर यहाँ फायर टेंडर और पुलिस अधिकारी सब लोग आ गए थे और फास्ट ट्रैक मोबाइल दुकान है, बस वहाँ पर सिर्फ धुआं है। खोलने पर पाया गया है कि वहाँ कोई किसी तरीके की कोई आग नहीं लगी थी। ये पूजा बेकरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसको नगर निगम के फायर ब्रिगेड द्वारा बुझा दिया गया है। कोई विशेष हानि नहीं हुई है। अगल बगल की दुकानों में भी धुआं उठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसमें भी आग लगी होगी, मगर कोई आग नहीं थी, सिर्फ धुआं निकल रहा था। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।